हेलो गाइस, मैं हूँ राहुल शर्मा और मैं हूँ प्रिंस, संवाददाता प्रिंस घर के कपड़ों में। और आज क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं इंटरव्यू। हाँ, हम थोड़ा ज़रा इंटरव्यू लेने वाले हैं लोगों से कि क्या चल रहा है आजकल। तो देखो कैसे लोग झूठ बोल रहे हैं। सब्सक्राइब करो, लाइक तो करना ही है वीडियो पसंद आए तो, और घंटा भी दबाना ही है, ठीक है ना। कैमरामैन अश्विन के साथ राहुल भाई। तो आपको पता है ये सेक्टर 24 में से लू लग के एक बंदा मर गया, तो उसके तो आपको क्या करना चाहोगे? दिल्ली गर्मी इतनी हो रही है, आपको पता है, आपने देखा था न्यूज़ में? ना देखा था। एक सेकंड, ये बंदा ना भारी यहाँ पे हुआ था वास्ता, तो आप कह दो कि मैंने देखा था कि ऐसे ऐसे वो जा रहा था और एकदम से हीट स्ट्रोक लगी, वो गिर गया। तो ऐसे गर्मी के कारण ऐसे बता दो, क्योंकि अभी कोई मिल नहीं रहा जिसने देखा हो। तो हमने भी देखा ना, तो बोल दो ऐसे, मैं देखना होता ना आगे कह देंगे देखा था। मैं तो काम से जा रहा था और वो बंदा बाइक से गिर कर गर्मी से उसे हार्ट अटैक आया था। उसे हार्ट अटैक आया। तो आज हमारे साथ संवाददाता जैसे बता रहे थे, आज हमारे साथ है शिवांशु। क्या हुआ, एक कुत्ते ने 10 लोगों का काट लिया सेक्टर 24 में। मैं कोई ऐसे ढूंढ रहे जिसने देखा हो, हमें कोई मिल नहीं रहा, तो आप ही कह दो कि हाँ मैंने देखा था, बच्चे छेड़ रहे थे। हाँ मैंने देखा था, वो तो दूर भाग गया था, बच्चे छेड़ रहे थे, उसने एक को काट लिया, फिर बच्चे और छेड़ने लगे। कुत्ता सही था और रोटी वोटी खिलाए थे, वो बच्चे ने छेड़ा होगा इसलिए काटा होगा। शिवांशु के साथ कैमरामैन संवाददाता प्रिंस, फलाना टीएसटी संवाददाता टीएसटी चैनल। आज हमारे साथ संवाददाता प्रिंस और आज हमारे साथ हैं, इनका नाम भाई कौन सा चैनल है? टीएसटी चैनल। लोगों का है क्या? बकवास कर रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या कोई? अरे आपकी राय जान। अच्छा यार, तुम तो लग भी नहीं रहे न्यूज़ चैनल से। ऑनलाइन किस चीज की राय देनी है? थोड़ा मतलब साफ सफाई की पार्क में साफ सफाई वगैरह। भाई मैं आराम से नया थोड़ी देर, परेशान मत करो किसी और की राय देनी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग अक्सर आराम करने आते हैं, हाँ पिकनिक मनाने आते हैं, कहीं आराम करने आते हैं। तो जैसे यहाँ पे झूले भी हैं, झूले भी सुन सकता है बंदा। तो कोई बात नहीं, कट करते हैं कैमरामैन, क्योंकि हमारे साथ पक्का नहीं करना ना, नहीं करना है। तो जिस तरीके से ये आराम कर रहे हैं, तो कई लोग ऐसे भी आते हैं पार्क में। संवाददाता सुमित के साथ टीएसटी चैनल, अपना प्रिंस भाई और राहुल भाई। संवाददाता टीएसटी चैनल, आज हमारे साथ हैं समीर सहनावाज। कल यहाँ पे जैसे 4 लड़कियों की लड़ाई हुई है, मतलब पार्क के अंदर ही, ठीक है, मतलब पूरा मतलब मारा मारा एक दूसरे को, लड़कियां आपस में 4। सर कल तो हम आए नहीं थे। अब एक्चुअली हम ढूंढ तो ऐसा कोई नहीं जिसने वो देखा हो, कोई मिल नहीं रहा, तो आप ही बोल दो कि हमने देखा था। सर वो आपस में फ्रेंडली थे, लड़ रहे थे, हम सोचे उसमें जा सकते हैं बचाए, लेकिन हम उसमें जाना सही नहीं समझा, हमने गुस्से में थी, मतलब कुछ भी हो सकता था उसमें, हम जाते तो बहुत कुछ हो सकता था, हम जाते तो बहुत कुछ हो सकता था। बाकी लोग देख रहे थे, उन्होंने भी कोशिश नहीं करी? कोशिश तो करी थी सर, क्या करे, आप जा नहीं सकते, लड़की का मैटर ही कुछ ऐसा होता है। लड़की का मैटर ही कुछ ऐसा होता है। तो ये बता रहे हैं कि बहुत गुस्से में थी लड़कियां, उन्होंने बाल फूटे, कपड़े भींचे, लेकिन लोग बीच में नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि इनको कहीं कोई हार्म ना पहुंचे, इन्हें ना मार दें, तो इसलिए। कैमरामैन संवाददाता सुमित के साथ प्रिंस, संवाददाता टीएसटी चैनल, और आज हमारे साथ हैं, आपका नाम नाम बता दो, नाम दीपक। तो वहाँ पे क्या करा, एक बंदा कबूतर को दाना डालने आता था, तो कल सारे कबूतरों ने मिलके उसको नोच मारा है, मतलब। तो आपका क्या मानना है इसमें? मैं तो कुछ नहीं कह सकता सर, मैं तो मतलब फिर भी अगर आप कह दो ना कि हमने देखा था, वो तो कबूतर को दाना डाल लेते, वहाँ पे कबूतर आए अचानक, उन्हें नोच गए और मैं तो वहाँ बैठा हुआ था, बस देखा मैंने बस। तो लोगों ने फिर अस्पताल लेके गए, ज्यादा हालत गंभीर थी उनकी? ये थोड़ा बहुत खून वून तो निकला हुआ था उनके, देखा जा रहा है। अब आगे जो भी कार्रवाई होगी पता लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कैमरामैन सुमित के साथ टीएसटी चैनल दिल्ली आज तक। तो संवाददाता प्रिंस के साथ आज हमारे साथ कोने कोनों में या नाले के पास टट्टी कर जाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? गलत है, सही है, क्या है? आपने देखा ऐसा होता हुआ? आप कह दो कि हमने देखा है कई बार, लोग फिर भी हमने टोका भी है लेकिन मानते नहीं लोग, ऐसे बोल दो। कई लोग मान जाते हैं, कई लोग नहीं। कहो मैंने टोका है ना करते हुए, यूं बोल दो टोका है मैंने। हंसते मत बोलो, थोड़े सीरियस मुद्दा है। हमने लोगों को करते हुए देखा और हमने कहा भी है गलत। अच्छा आपने ऐसे कहा, जैसे और लोग आते हैं बंदा टट्टी कर रहा है तो अच्छा नहीं लगता, फैमिली भी आती हैं, लोग भी महिलाएं भी, कोई लोग और आते हैं जैसे टट्टी करते हैं, अच्छा नहीं लगता, जैसे टट्टी करते हैं अच्छा नहीं लगता। हंसो मत, हंसो मत, ये सीरियस मुद्दा है। तुम भी बोलो, ये तुम्हारा दोस्त, ये दोस्त है, सावन बोलो भाई, सारे बोलो, सारे फैमिली आती है पूरी लोगों के साथ घूमने, ऐसे अच्छा नहीं लगता, बाहर देश से कोई आता है, अच्छा जैसे कोई आता है तो लोग टट्टी कर रहे होते तो अच्छा नहीं लगता।
अरे भाई थोड़ा तेज बोलना, डर रहे हो ऐसे जैसे हम प्रधानमंत्री खुल के बोलो, थोड़ा तेज आवाज आए ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बिना डरे। अरे तुम भी आओ ना साथ में यार, अभी तो दोस्तों क्या हो तुम, कैसे कोई विदेश से भी जैसे टूरिस्ट आते हैं तो देश की अच्छी इमेज, देश का नाम, देश का नाम ऊंचा होता है इससे, ऐसे बोलो कि एक बार मैं जा रहा था तो मैंने देखा एक अंकल कर रहे थे टट्टी, तो मैंने टोक दिया अंकल यहाँ पे टट्टी मत खोलो, ऐसे पूरी बोल, अंकल है ना लैट्रिन कर रहे थे कोने में, तो मैं जा रहा था, मैंने बोला अंकल ऐसे मत करो लोग आते हैं, तो है ना उन्होंने बोला अच्छा बेटा, तो मतलब अंकल ऐसे बैठे हुए थे और आपने बोला कि बाहर से लोग आपने गाना बाहर से लोग आते हैं, तो अंकल यूँ बैठे हुए थे, तो आपने कैसे मतलब एक बार बताना, जैसे मैं अंकल हूँ सपोज करो अंकल है तो आप किधर किस तरह से आ रहे थे, आप पीछे से आ रहे थे आगे से आ रहे, पीछे से आ रहे, करके दिखा दो कि ऐसा हुआ था अंकल, हमारे लोगों को बहुत सीख मिलेगी तुमसे, बच्चों से मैसेज जाएगा अच्छा कि बच्चे इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं, सब साफ सफाई का, तुम तीनों साथ जा रहे थे ना, लेकिन तुमने बोला ठीक है, अरे नहीं नहीं कर दो, अरे अरे कर दो यार, बस ये है बढ़िया हो जाएगा, हाँ अंकल यहाँ पे मत करो, बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो अंकल यहाँ पे क्यों कर रहे हो, बेटा घर में पानी नहीं आ रहा ना आज, पहले मैं रस्ते में आया, रस्ते में मेरे को दो पाद आए, फिर मैंने कहा यहाँ रस्ते में रुक जाओ, फिर मैं यहाँ पे बैठ गया, आप कहो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब पब्लिक प्लेस है, कहो कहो तुम्हें पाद आए तो कुछ भी है तुम बाहर नहीं कर सकते, पब्लिक प्लेस में नहीं करना चाहिए, पब्लिक प्लेस में नहीं करना चाहिए, पब्लिक प्लेस में नहीं करना चाहिए, चाहे पाद आए चाहे कुछ भी है, अच्छा तो आप ना ऐसे कहोगे अबे चल उठ यहाँ से, मेरे को चल उठ, मैं मान नहीं रहा, मैं नहीं जा रहा यहाँ से, मैं नहीं जा रहा, चलो एक बार कैमरे की तरफ देख के, जैसे आपको भी कोई दिखे तो उसको भी रोक देना चाहिए, दिखे नहीं टट्टी पेशाब, दिखे टट्टी पेशाब करते हुए देखते हैं तो उसको भी आपको रोक देना चाहिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया बिल्कुल, तो जैसे कि संवाददाता हमारे राहुल भाई के साथ और प्रिंस भाई के साथ, जैसे अपने गौरव भाई और उनके दोस्त बता रहे थे कि ये सब नहीं करना चाहिए, टट्टी अपने घर में करो, और हमारे साथ सुमित कैमरामैन के साथ संवाददाता आज तक TST चैनल, अरे लाइक करो इस वीडियो को अगर आप चाहते हो हम सेकंड पार्ट भी बनाएं, कमेंट करो और हमें बढ़िया बढ़िया न्यूज़ बताओ, अगर आपने भी कोई शॉकिंग न्यूज़ सुनी तो हमें बताओ कौन सी न्यूज़ पे इंटरव्यू चाहिए, और कमेंट में आइडियाज़ तो बताते ही रहो हमें, प्रैंक करने के और इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करो, मजे करो यार।